Hey, what's up guys? This is Saurabh and welcome to my channel Fit Motive. आज हम शोल्डर के वर्कआउट कर रहे हैं, शोल्डर के होम वर्कआउट। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हो बैक का, चेस्ट का और बाइसेप का, तो आप मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हम शोल्डर का वर्कआउट होम वर्कआउट शुरू करते हैं। तो चलिए आज शोल्डर का होम वर्कआउट का पहला एक्सरसाइज उस सबसे शुरू करते हैं, शोल्डर विथ हाथ ले लीजिए आप शोल्डर के हिसाब से, लेग पीछे कर लीजिए और हिप्स को आप ऊपर कर लीजिए, क्योंकि आज हम शोल्डर के पुशअप लगा रहे हैं। नीचे भी स्लो जाएंगे और ऊपर भी स्लो आएंगे। आपको 15 रेपिटेशन 3 सेट लगाना है और उसका और एक वेरिएशन भी है शोल्डर पुशअप का, चलिए वो भी दिखाता हूँ। नॉर्मल पुशअप जैसा पोजीशन ले लीजिए, एक हाथ ऊपर उठाइए फिर दूसरा हाथ ऊपर उठाइए। इससे क्या होता है, हमारा एक ही शोल्डर पे सारा लोड आ जाता है तो ज़्यादा इफेक्ट आता है मसल पे। क्रिटिकल लगे वो पहला वाला बिल्ड पुशअप भी। चलिए शुरू करते हैं हमारा शोल्डर होम वर्कआउट का दूसरा एक्सरसाइज। तो इसमें हम दो ईट का यूज करेंगे जो आपका घर पे अवेलेबल होगा। तो इससे हम वन हैंड डंबल राइज भी कहते हैं, तो ये हम ईट से कर रहे हैं। तो आप एक हाथ ऐसे आगे पूरा ऊपर ना जा के शोल्डर के हिसाब से रखिए, हाथ स्लो जाए फिर नीचे ही स्लो आए, क्योंकि हमारे पास इतना वेट नहीं है तो हमको मसल को ज़्यादा इफेक्ट लाना है मसल पे, तो स्लो ही आएंगे, ऊपर स्लो जाएंगे फिर नीचे स्लो। सिंगल हैंड या डबल हैंड ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा शोल्डर का दूसरा वर्कआउट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा शोल्डर होम वर्कआउट का तीसरा वर्कआउट। तो इसमें भी हम टू ईट का यूज करेंगे। ये हमारा साइड डंबल रेस हो गया, वो वाला था फ्रंट डंबल रेस। इसमें थोड़ा एल्बो को थोड़ा बेंड रखना, आप कोहनी को थोड़ा बेंड रखना है, फिर आपको स्लो ले ऊपर जाना है फिर नीचे स्लो, क्योंकि हमारे पास इतना वेट ही नहीं है, मैं पहले से बता चुका हूँ। जितना स्लो करोगे मसल पे उतना इफेक्ट आएगा। ऐसे ज़्यादा ऊपर मत उठाइए, बस शोल्डर के हिसाब से करना है आपको। रेपिटेशन 3 सेट लगाना है साइड से, 15 आप जो भी 15-12 बीच में रखिए, क्योंकि हमारे पास वेट इतना नहीं है तो 15-12 बीच में ही रखिए। तो ये हमारा शोल्डर का होम वर्कआउट का चौथा एक्सरसाइज है। तो पहला वाला गया आपका आगे वाला शोल्डर के लिए, वो वाला साइड वाला। तो ये जो हम शोल्डर लगाएंगे शोल्डर का होम वर्कआउट का एक्सरसाइज, ये वाला हम पिछले वाला शोल्डर ये वाला पोर्शन पे लगाएंगे, ज़्यादा इफेक्ट आएगा इसमें। तो चलिए इसमें भी दो ईट का ही यूज़ होगा, आप थोड़ा आपका बेंड कर लीजिए आप अपर बॉडी को, फिर आप ईट को ऐसे रख के ऊपर उठाइए, स्लोली जाना है पर स्लो।
तो इसका भी आपको 15 रिपीटेशन 3 सेट में लगाना है। ये हमारा होम वर्कआउट का फिफ्थ एक्सरसाइज है, इसमें भी वही पीक का यूज होगा। ये इसको बोलते हैं डंबल ओवरहेड। तो कोने तो पूरा 90 डिग्री की तरह रखी है आपका एल्बो को, फिर आपको ऊपर उठाना है स्लोली, ऊपर नीचे भी स्लो। इसका और एक वेरिएशन है ये वाला, आप इसको ऐसे वहाँ पे ले सकते हो। जो भी एक्सरसाइज आपको कंफर्टेबल लगता है इसका वेरिएशन में वो आप कीजिए। और यही ख़त्म होता है हमारा आज का शोल्डर का होम वर्कआउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।